हेलो गाइस, स्वागत है आपका आईएस ब्लॉग में। और मैं इशू आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो ये वीडियो जिस बारे में है, जिसके ऊपर है, हमने इनसे तो पता चल ही गया होगा ये कि किसके ऊपर है। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं गाइस। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ ऐसी लाइन, काफ़ी लाइन लगी रहती है वैसे। और ये जो कुछ भीड़ें दिख रही हैं आपको, अगर आप वीकेंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगी, जैसे सैटरडे संडे और कोई वीकेंड वाले दिन अगर आप आएंगे तो ऐसी लाइन दिखेगी आपको, ऐसी कुछ भीड़ देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। वैसे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं आराम से। टिकट लेने के बाद आप अंदर से जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये गेट मिलेगा देखते हुए, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। फिर एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, चारों तरफ आपको ऐसा प्लेस देखने को मिलेगा, खुला एरिया सा मिलेगा। ये कुछ बैठने की जगह होती है, इसमें बैठ सकते हैं आप, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़े टेंस हैं तो। तो आप चलते रहिए, वैसे दिखते रहेगा। और आगे कुछ यहाँ पर एक ऐसे बोर्ड्स लगे होंगे जिनके बारे में आपको वहीं पर लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा दूँ, जैसे ये हैं और ये जिस हिसाब से वेस्ट चीज़ों के बना रखे हैं वेस्ट ऑफ वंडर। और सबसे पहले आपको जो वेस्ट ऑफ वंडर में दिखेगा ये जो है इजिप्ट के पिरामिड है। सो पिरामिड है, कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट कर सकते हैं, करते हैं। इसके बाद आप जाते ही आपको सबसे पहले ये पिरामिड के बाद आपको ये दिखेगा टावर ऑफ पीसा, कुछ ऐसे दिखेगा। ये थोड़ा टेढ़ा है, लोग काफ़ी फ़ोटो शूट करते हैं इसके सामने, जैसे कि ये गिर रहा हो और वो संभाल रहे हों। तो हमने भी ऐसे कुछ ऐसे करें। और ये तो आपको मालूम ही होगा, पेरिस आईफिल टावर पेरिस का, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आपके देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप देखते जाएंगे आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, लार्जेस्ट एंट्री थिएटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोम में है जो क्लोजियम, पूरा राउंड काफ़ी बड़ा है ये, वैसे बनाया है वेस्ट चीज़ों से बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात इनकी तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, घूमने की बहुत अच्छी जगह है वैसे। उसके बाद आपको ताजमहल देखने को मिलेगा, वेस्ट मटेरियलों से बनाया हुआ ताजमहल। सबसे अच्छी बात है आप अगर रात में आएंगे नाइट के टाइम तो इनकी लाइटिंग से बहुत अच्छी एक वाइब आती है, बहुत अच्छा दिखता है व्यू इनका। ये ताजमहल है आपका, इसके बाद आपको क्रिस्ट ऑफ रेडीमर दिखेगा ब्राज़ील का, देख सकते हैं आप क्रिस्ट ऑफ ब्राज़ील का क्रिस्ट रेडीमर। इसके बाद आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगी, यूएसए में है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हर किसी वंडर में जाके लोग यहाँ फ़ोटो शूट करते रहते हैं तरह तरह की, आप भी इंजॉय कर सकते हैं आके। हो सके तो आप थोड़ा इवनिंग में आएँ जिससे इसकी देखने की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लगती है। और आप सीधे यहाँ से चलने बाहर जाने का ही रास्ता है, चलते रहेंगे तो सबसे आप थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रिज आएगा, इसमें थोड़ी जो ब्यूटी है इसकी और बढ़ा देती हैं वेस्ट ऑफ वंडर की। सो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और इसकी ब्यूटी और बढ़ाने के लिए ये थोड़े हाथी घोड़े से बना रखे हैं, इनमें थोड़ी लाइट लगा रखी है।
इससे इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। शाम के टाइम में देख सकते हैं, मैं गया था इवनिंग के टाइम, धीरे धीरे शाम जैसे होते गई लाइट चालू होते गई है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। आप भी आ सकते हैं वैसे, और ये देख सकते हैं ये एंड है, यहाँ पे आप घूम फिर के आके अपना बैठ सकते हैं, थोड़ा बातचीत कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही है इस पार्क में। वैसे ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, सजेशन दें कैसा सुधार हो सकता है। न्यू वीडियो है सो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।